विद्यार्थियों, इससे पूर्व जो हमने अध्याय पढ़ा है वो लाभ डिमांड से संबंधित था, जिसमें मैंने ये चर्चा की थी कि लाभ डिमांड क्या होता है, उसकी क्या मान्यताएं हैं, लागू होने के कारण क्या है और उसके अपवाद यानी भी परिस्थितियाँ कौन सी है जिसमें मांग करने के लिए ऐसे नहीं होता। आज हम उससे अगला टॉपिक ले रहे हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और इसके अंदर हम दो बातों का अध्ययन करेंगे, एक उसकी डेफिनेशन क्या है और उसकी डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी क्या होती है। पूर्व के जो अध्याय में हमने पढ़ा है कि मांग का नियम वो नियम होता है जो किसी वस्तु के मूल्य और उसकी मांगी की मात्रा के मध्य जो है संबंध को बताता है, यानी मांग का नियम वो नियम है जो किसी वस्तु की मांगी की मात्रा और उसके मूल्य के बीच में गुणात्मक संबंध को व्यक्त करता है। इसका तात्पर्य यह है मांग का नियम किसी वस्तु के मूल्य में होने वाले परिवर्तन के परिणाम स्वरूप मांग मात्रा में होने वाले परिवर्तन की दिशा को बताता है, डायरेक्शन ऑफ चेंज बताएगा। फॉर एग्जांपल, जैसा कि हम कहते हैं कि अगर मूल्य बढ़ जाए तो मांग घट जाती है, मूल्य घटे और मांग बढ़ जाती है, मांग कितनी बढ़ेगी या कितनी घटेगी मूल्य में परिवर्तन से मांग का नियम कभी भी इस चीज को स्पष्ट नहीं करता। तो इसके अध्ययन के लिए कि अगर किसी वस्तु के मूल्य में प्रतिशत अथवा आनुपातिक परिवर्तन होने पर मांग मात्रा में कितना प्रतिशत अथवा आनुपातिक परिवर्तन होता होगा, इसको ज्ञात करने के लिए जो है मांग की लोच की अवधारणा दी गई है, और ये अवधारणा प्रोफेसर मार्शल द्वारा दी गई। मार्शल ने इसको स्पष्ट करते हुए लिखा है कि किसी वस्तु के मूल्य में प्रतिशत अथवा आनुपातिक परिवर्तन होने पर उसकी मांग मात्रा में होने वाले प्रतिशत अथवा आनुपातिक परिवर्तन का जो माप है वो मांग की लोच कहलाती है। जिस प्रकार से मांग तीन प्रकार की होती है, मुख्य रूप से प्राइस डिमांड, इनकम डिमांड एंड क्रॉस डिमांड, यानी कीमत मांग, आय मांग और आड़ी मांग, उसी प्रकार से इलास्टिसिटी भी तीन प्रकार की होती है, प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी और तीसरी क्रॉस इलास्टिसिटी जिसको आप बोलते हैं। आज हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वो केवल प्राइस इलास्टिसिटी के बारे में चर्चा करेंगे। तो प्राइस इलास्टिसिटी को अगर हम डिफाइन करें तो कहेंगे कि द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ए मेजरमेंट ऑफ द प्रोपोर्शनेटली चेंज इन डिमांड ड्यू टू प्रोपोर्शनेटली चेंज इन प्राइस, यानी मांग की लोच क्या है, ये एक मापन है, एक माप है किसका, कि किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन होने पर उसकी मांग मात्रा में होने वाले परिवर्तन का जो माप है, जो मेजरमेंट है, वो क्या कहलाती है, मांग की कीमत लोच या प्राइस इलास्टिसिटी कहलाती है। अगर आपको मांग की कीमत लोच याद करनी है तो उसके लिए एक यूनिवर्सल फॉर्मूला प्रोफेसर मार्शल ने दिया था। तो जब भी आपको इलास्टिसिटी याद करनी है तो आपके पास में टू डिफरेंट लेवल ऑफ प्राइस होने चाहिए और टू डिफरेंट क्वांटिटी डिमांडेड होने चाहिए। जैसा कि इस एग्जांपल में स्पष्ट है कि प्राइस और डिमांड ऑफ यूनिट्स में दर्शाया गया है, बाजार में 4 रुपए प्रति इकाई का मूल्य है तो उसकी मांग जो बाजार में 10 इकाई की है, मूल्य गिरने पर मांग जो उसकी जो है 10 इकाई से बढ़कर के 16 इकाई हो जाती है। तो इसके लिए जो यूनिवर्सल फॉर्मूला दिया गया ये था ईपी बराबर डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी मल्टीप्लाई बाई पी अपॉन क्यू। इसका तात्पर्य है कि मांगी की मात्रा में परिवर्तन, डेल्टा क्यू जो डिनोट कर रहा हुआ है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, डेल्टा पी मीन्स चेंज इन प्राइस, पी मीन्स इनिशियल प्राइस यानी जो प्रारंभिक मूल्य, और प्रारंभिक मूल्य स्टेबल में जो होगा वो 4 होगा, और उसी प्रकार से क्यू मतलब जो है इनिशियल क्वांटिटी, तो इनिशियल क्वांटिटी जो होगी वो 10 यूनिट्स होगी। इसको जब आप जो है पुट द वैल्यू इन द जो है फॉर्मूला देन वी गेट द 1.2 कैसे आया, ईपी बराबर ये हो गया आपके डेल्टा क्यू, डेल्टा क्यू का मतलब है 16 जो यूनिट्स है उसमें से 10 यूनिट्स को घटाना है, ये 6 आ गया, अपॉन डेल्टा पी 4 - 2 यानी 2 आ गया, मल्टीप्लाई बाई 4 अपॉन 10, 4 का मतलब क्या है इनिशियल प्राइस, ये रहा 4 और इनिशियल डिमांड कितनी है 10, तो अगर हम 12 आता है अपॉन 10 1.2 ये बता रहा है कि यहाँ पर इसको मोर इलास्टिक डिमांड कहते हैं। मोर इलास्टिक डिमांड का तात्पर्य है कि मूल्य में परिवर्तन की तुलना में मांग में परिवर्तन ज्यादा हो। इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं डेल्टा क्यू इस ग्रेटर देन डेल्टा पी, इसका तात्पर्य है मांग में परिवर्तन मूल्य में परिवर्तन की तुलना में ज्यादा हो जाना। लेकिन यहाँ पर ये ज्ञात नहीं हो पा रहा है कि मूल्य में परिवर्तन की तुलना में मांग में परिवर्तन ज्यादा है, तो इसके लिए दो फॉर्मूले और दिए गए हैं, एक परसेंटेज मेथड है और एक प्रोपोर्शनेटली मेथड है। अगर आपको परसेंटेज मेथड के आधार पर निकालना हो परीक्षा में, अगर मान लीजिए दोनों में प्रतिशत परिवर्तन को दर्शाया गया है और आपको इलास्टिसिटी एडजस्ट करनी है तो कैसे करेंगे, उसका फॉर्मूला होगा ईपी इज इक्वल टू
परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस के आधार पर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मांग में मूल्य में अगर 10% का परिवर्तन होने पर मांग में अगर 20% का परिवर्तन है तो आप ईपी किस प्रकार निकालेंगे, आपका जो ईपी निकलेगा ईपी बराबर हो जाएगा, इसका फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, मतलब 20/10 और ये हो गया 2 जो है वो 1 से ज्यादा है यानी यहाँ पर ईपी ग्रेटर देन 1 होगा। अगर आप प्रोपोर्शनेटली मेथड से निकालते हैं तो इसका फॉर्मूला होगा ईपी बराबर प्रोपोर्शनेटली चेंज इन डिमांड अपॉन प्रोपोर्शनेटली चेंज इन प्राइस, और अगर उसको मल्टीप्लाई कर दें अगर आप 100 से तो जो प्रोपोर्शनेट है अनुपात जो है वो परसेंटेज में चेंज आएगा। तो इसका तात्पर्य है कि परसेंटेज मेथड एंड द प्रोपोर्शनेटली मेथड बोथ आर सेम थिंग, दोनों में कोई अंतर नहीं है। इफ वी मल्टीप्लाई द 100 देन वी गेट द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एज वेल एज परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब हम बात करेंगे इसके डिग्रीज के बारे में, यानी मांग की लोच किस निर्णय क्या होते हैं। देखिए ये निश्चित है कि मूल्य से मांग प्रभावित होती है, लेकिन ये निश्चित नहीं है कि किसी वस्तु के मूल्य में जितना प्रतिशत समानुपातिक परिवर्तन होगा तो उसकी मांग में कितना अनुपातिक प्रतिशत परिवर्तन होगा। कई बार मूल्यों का प्रभाव मांग पर ज्यादा होता है और कई बार मूल्यों का प्रभाव जो मांग पर कम होता है। इसी आधार पर अर्थशास्त्रियों द्वारा मांग की लोच की जो श्रेणी है उसको 5 भागों में वर्गीकृत किया है, और मैं आपको बता दूं जो फर्स्ट है और जो लास्ट है ये दोनों ही इमेजिनरी है, काल्पनिक है। इस प्रकार की मांग की कीमत लोच हमारे मार्केट सिनेरियो में देखने को नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी हम इसके बारे में अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हमारे आते हैं परफेक्ट इलास्टिक डिमांड, इसको बोलते हैं पूर्णतः लोचदार मांग। पूर्णतः लोचदार मांग का मतलब होता है कि किसी वस्तु के मूल्य में बिल्कुल भी परिवर्तन न होने पर मांग मात्रा में अत्यधिक परिवर्तन हो जाए। इसका मतलब मूल्य स्थिर है, स्थायी है, उसके बाद भी मांग जीरो हो जाए या मांग अनंत रूप से बढ़ जाए, इसको बोलते हैं पूर्णतः लोचदार मांग। इसलिए बाजार में इस प्रकार की कीमत लोच देखने को नहीं मिलती। ऐसा कभी नहीं होता कि मूल्य स्थिर पड़ा है और मांग एकदम जीरो हो जाए अथवा मांग अनंत रूप से बढ़ जाए। इसको डिनोट जो किया जाता है वो ईपी इक्वल टू इन्फिनिटिव, ये इन्फिनाइट जिसको बोलते हैं अनंत के रूप में इसको जो है वो डिनोट किया जाता है। इसका जो मांग वक्र होता है वो हमेशा ओ एक्स एक्सिस के समानांतर एक पड़ी रेखा के रूप में होता है, यानी ये ओ एक्स एक्सिस के हॉरिजेंटल होगा। और क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर मूल्य तो स्थायी रहेगा, यहाँ मांग जीरो भी हो सकती है, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, इस प्रकार से एक हॉरिजेंटल जो शेप में इसका डिमांड कर होता है। नंबर 2 आता है मोर इलास्टिक डिमांड। मोर इलास्टिक डिमांड का तात्पर्य है मूल्य में प्रतिशत अथवा अनुपातिक परिवर्तन की तुलना में मांग मात्रा में परिवर्तन ज्यादा होना। फॉर एग्जाम्पल किसी वस्तु के मूल्य में 10% का परिवर्तन होने पर यदि उसकी मांग मात्रा में 20% का परिवर्तन हो जाए तो वहां पर मांग क्या होगी, इकाई से अधिक या लोचदार होगी, अधिक लोचदार होगी। इसे ईपी ग्रेटर देन 1 से डिनोट कर दें। इस प्रकार की जो मांग की लोच है वो लग्जरी गुड्स के संदर्भ में होती है, जो विलासिता संबंधी वस्तु होती है उनके संदर्भ में अर्थशास्त्री कहते हैं कि इनकी मांग हमेशा मोर इलास्टिक होती है, यानी ज्यादा सेंसिटिव होती है प्राइस से। प्राइस में कम परिवर्तन होने पर भी बाजार में मांग में आपको ज्यादा परिवर्तन दिखाई देगा। और इसका जो डायग्राम बनेगा वो कुछ इस प्रकार से होगा कि यहाँ आपको मूल्य में परिवर्तन कम और मांग में परिवर्तन ज्यादा, और इस प्रकार से ये आपका जो डिमांड कर्व होगा, यानी यहाँ पर मांग में परिवर्तन ज्यादा मूल्य में कम होगा। नंबर 3 आती है इलास्टिक, जिसको यूनिटरी भी कहते हैं, इकाई के बराबर मांग की लोच भी कहते हैं, कि यह इस प्रकार की मांग की लोच है कि जितना अनुपातिक अथवा प्रतिशत परिवर्तन किसी वस्तु के मूल्य में होता है ठीक उतना ही परिवर्तन उसकी मांग में हो जाए तो ऐसी मांग को क्या कहते हैं, इकाई के बराबर अथवा लोचदार मांग कहते हैं। इसको ईपी इक्वल टू 1 के द्वारा डिनोट किया जाता है, और इसको फॉर एग्जाम्पल चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू 10% है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड आल्सो 10% है, तो इसका मतलब है अगर हम 10 को 10 से डिवाइड करें यानी हम परसेंटेज मेथड अडॉप्ट करें तो इसका मान जो आएगा वो 1 आएगा, जो ये बताएगा कि जितना परिवर्तन उसके मूल्य में हो रहा है ठीक उतना ही परिवर्तन जो है उसकी मांग में। इस प्रकार कि जो है कि कंफर्ट गुड्स जो होते हैं, आरामदायक जो वस्तुएं, उसके बारे में अर्थशास्त्री कहते हैं इनकी मांग इकाई के बराबर होती है। और इसका जो डायग्राम बनता है वो कुछ इस प्रकार से होगा कि जितना परिवर्तन आप मूल्य में दिखाएंगे ठीक उतना ही परिवर्तन जो है वो उसकी मांग में भी होता है। इस प्रकार से जो है ये मांग की जो लोच है बिल्कुल इकाई के बराबर होती है। नंबर 4 है अनइलास्टिक डिमांड, उसका बेलोचदार मांग भी कहते हैं। इस मांग से तात्पर्य है कि जिस अनुपात में या
मूल्य में परिवर्तन होता है उससे कम अनुपात में मांग में परिवर्तन हो, यानी मूल्य में परिवर्तन की तुलना में उसकी मांगी मात्रा में परिवर्तन कम होता है, उसे बेरोजगार कहते हैं। बेरोजगारी मतलब जिसमें सेंसिटिविटी कम हो, जिसमें इलास्टिसिटी कम हो, या यूं कह दें कि किसी वस्तु के मूल्य पर उपभोक्ता की जो मांग है वो कम प्रभावित हो, उसे बेरोजगार मांग कहते हैं। बेरोजगार मांग नेसेसिटी ऑफ गुड्स के बारे में कहते हैं अर्थशास्त्री कि इसकी मांग हमेशा बेरोजगार होती है, या लाइफ सेविंग गुड्स जो होते हैं जैसे मेडिसिन है तो उसकी मांग हमेशा बेरोजगार होगी, कितना मूल्य बढ़ जाए हमें उसको लेना ही पड़ेगा। नेसेसिटीज ऑफ लाइफ के बारे में कहते हैं जैसे फूड ग्रेन है, साल्ट है, तो परफेक्ट इंडस्ट्री की डिमांड जो है इसको पूर्णतः बेरोजगार मांग कहते हैं। ये भी पूर्णतः जो रोजगार मांग है उसी तरह से पूर्णतः बेरोजगार मांग भी काल्पनिक है। इस प्रकार की मांग की कीमत रोज आपको देखने को नहीं मिलेगी कि जिसके अंतर्गत मूल्य में अत्यधिक परिवर्तन होने पर भी मांग स्थिर रहे, क्योंकि प्राइस एक ऐसा फैक्टर होता है जो कि निश्चित तौर पर बाजार में मांग प्रभावित करता है। इसका जो डिमांड कर्व होगा, जिस प्रकार से पूर्णतः रोजगार मांग का डिमांड है वो हॉरिजॉन्टल होता है, वो एक्स एक्सिस होता है पूर्णतः रोजगार होता है, उसी प्रकार से परफेक्ट इंडस्ट्री पूर्णतः रोजगार जो मांग का होता है वो ओवाई एक्सिस के वर्टिकल होगा, यानी खड़ी रेखा के रूप में होगा। इस प्रकार से होगा कि जहाँ पर मूल्य जो है मूल्य में परिवर्तन हो रहा है, ये डिमांड कर रहा है पी से पी वन हो जाए या पी टू हो जाए, लेकिन मांग वो है स्थिर पड़ी रहती है, इसका मतलब है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू जीरो होता है। ये वो स्थिति है जिसके अंदर मूल्य में परिवर्तन हो रहा है और मांग जो है वो स्थिर बनी हुई है। इस प्रकार भी आपने देखा कि पांच प्रकार की श्रेणियां पाई जाती है, जिसमें मुख्य रूप से तीन प्रकार की जो श्रेणी जो है कीमत रोज है वो इलास्टिक, इलास्टिक और अनइलास्टिक, ये तीन देखने को मिलती है, जबकि परफेक्ट इलास्टिक और परफेक्ट अनइलास्टिक जो है वो काल्पनिक।